नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। साल का अगस्त महीना अमूमन त्योहारों से भरा होता है। इन्हीं त्योहारों में से एक दिन दोस्ती के नाम भी होता है और इस दोस्ती वाले दिन का युवा वर्ग ही नहीं बल्कि हर उम्र के लोग खासा इंतजार करते हैं, क्योंकि दोस्ती बेहद अनोखा एहसास होता है। जीवन में कुछ खास दोस्त ही होते हैं जिनसे खून का संबंध ना होने के बावजूद भी पक्का वाला रिश्ता बन जाता है। वो खास दोस्त ही होते हैं जो बिन कहे हमारे दिल की भावना को समझ जाते हैं। कभी कभी उनसे नोक झोंक भी होती है, मगर तकरार के बाद भी जब मन ना लगे तो इन्हें यारों को हम याद करने लगते हैं। दोस्त के साथ हमारे जीवन का अहम पल बीतता है। स्कूल, कॉलेज या फिर वर्क प्लेस, कई बार इन्हीं जगहों पर हम अपने लाइफ के बेस्ट फ्रेंड को पा लेते हैं। ऐसे में दोस्ती की खट्टी मीठी यादों के नाम हम हर साल फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करते हैं। हर साल अगस्त महीने के पहले रविवार को इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। इस बार खास यह है कि अगस्त महीने के पहले दिन ही रविवार पड़ रहा है, यानी कि 1 अगस्त को ही फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट किया जाना है। इस मौके पर हर उम्र वर्ग के लोग दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमना और समय बिताना पसंद करते हैं। राजधानी पटना पूरे बिहार में बड़ा स्टूडेंट हब माना जाता है, इसलिए यहाँ पे हर साल इस दिन युवाओं को अपने दोस्तों के साथ घूमते फिरते स्पॉट किया जाता है। हालांकि इस बार कोरोना गाइडलाइंस के नियमों के कारण कई घूमने फिरने की जगहों पर पाबंदी लगी है, लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ आप दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं। अगर आप भी पटना में हैं और जानना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ और कितने बजे तक घूमने जा सकते हैं, तो इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ खास जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं। राजधानी पटना में कई बड़े पार्क हैं जहां आप दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। यहां आप पटना जंक्शन के बगल में बुद्ध स्मृति पार्क जा सकते हैं। इसके अलावा इको पार्क, नवीन सिन्हा स्मृति पार्क, पुनाई चेक पार्क, शहीद वीर कुंवर सिंह आजादी पार्क, एनर्जी पार्क, गोलघर पार्क परिसर समेत पटना के कई पार्क में आप दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं। यहां आपको बता दें कि बिहार सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक पार्क में आप अभी सुबह 6 बजे से दोपहर के 12 बजे तक ही घूम सकते हैं। इनमें से कुछ पार्क में आपको चार्ज देकर जा सकेंगे तो कुछ में आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। बुद्धा पार्क में आप म्यूजियम का दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि अभी स्तूप के दर्शन की इजाजत नहीं है। इसके अलावा आप एमवी कौटिल्य विहार नाम के पानी के जहाज की सवारी करके खूबसूरत गंगा घाटों की सैर कर सकते हैं। इस जहाज को बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की तरफ से चलाया जाता है। इसके लिए आप गांधी घाट के टिकट काउंटर से 150 रुपए में टिकट लेकर सुबह 11 से शाम के 5 बजे के बीच किसी भी वक्त घूम सकते हैं। इस क्रम में जहाज आपको कृष्णा घाट, काली घाट से होते हुए बढ़हरवा घाट, लॉ कॉलेज घाट, रानी घाट, गुलबी घाट, पत्थरी घाट होते हुए वापस गांधी घाट लेकर आता है। इस जहाज पर 50% की क्षमता के साथ आप फिलहाल सैर कर सकते हैं। पटना का चिड़ियाघर भी फ्रेंडशिप डे में घूमने के लिहाज से बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा प्लेस है जिससे भीड़भाड़ से राहत मिलती है। यहाँ आप सुबह 6 बजे से 12 बजे तक दोस्तों के साथ घूमने जाएं और खूब मजे करें। इसमें वयस्कों के लिए 30 रुपए टिकट के चार्ज लगते हैं। यहाँ आपको बता दें कि कोरोना के कारण फिलहाल मछली घर, बोटिंग और 3D सुविधा बंद है। इसके साथ ही अगर आप और आपके दोस्त म्यूजियम प्रेमी हैं तो 100 रुपए का टिकट खरीद कर बिहार म्यूजियम जरूर घूमने जाएं। वहां भी काफी बड़ा स्पेस और शांत माहौल मिलने वाला है। बिहार म्यूजियम दुनिया के मॉडर्न संग्रहालयों में से एक है। इसके अलावा पटना में कई शानदार रेस्टोरेंट हैं जहां आप रात के 9 बजे तक लजीज व्यंजन का लुत्फ उठा सकते हैं। हां, अगर आप पटना में इन सभी जगहों पर काफी बार घूम चुके हैं तो और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो आप पटना के नजदीकी जगहों पर जा सकते हैं। आप राजगीर, नालंदा और बोधगया घूमने जा सकते हैं। हालांकि कोविड के कारण इन जगहों के खास धार्मिक स्थल अभी बंद है, तो आप यहां आकर भी कई स्थानों का दीदार नहीं कर पाएंगे। तो आप इन जगहों में से अपने लिए बेस्ट को तलाश लें, लेकिन ध्यान दें, घूमने वक्त मास्क, सैनिटाइजर को अपने पास रखना है, यानी सुरक्षा के साथ इस फ्रेंडशिप डे को सेलिब्रेट करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।